नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। खबर रोहतास जिला के डेहरी से है, जहां डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर शिप्रा एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान पांव फिसल जाने से एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान तिलौथू थाना क्षेत्र के चंदन कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि युवक डेहरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आया था। बाद में डेहरी के रेल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया है। डेहरी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शिप्रा एक्सप्रेस में चढ़ने के गाड़ी खुल गई थी, चढ़ने के दरमियान जो है वही गिर के मैंने कट गया है। पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल सासाराम ले गया है। औरंगाबाद जिले में सोमवार की देर रात दो अलग अलग जगहों पर हुए सड़क दुर्घटना में एक महिला समेत दो की मौत हो गई, जिसे लेकर दोनों मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल कायम हो गया। पहली घटना रिसियप थाना क्षेत्र की है, जहां एक हाईवा की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ी महिला की मौत हो गई। दूसरी घटना देव थाना क्षेत्र के अदरी मोड़ के समीप की है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमर बिघा गांव निवासी 20 वर्षीय पप्पू कुमार के रूप में हुई है। इसकी सूचना मिलते ही परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुंची नगर थाना के पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामला है कि महिला, बगल की महिला को इलाज कराने डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी रात में, और इलाज कराने के बाद वापस घर लौट रही थी, और घर लौटने के दरमियान सड़क के किनारे गाड़ी पार हो रही थी, खड़ी हो गई। उसमें तेज रफ्तार से हरिहरगंज से औरंगाबाद की तरफ आने वाली हाईवा से टक्कर हो गया, और इसके बाद हॉस्पिटल आकर कम कर। शहर के आनंद विहार होटल में मंगलवार को अरवल पुलिस परिवार द्वारा विदाई समारोह का आयोजन कर नीव वर्तमान पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन को विदाई दी गई। समारोह में पुलिस परिवार द्वारा पुलिस अधीक्षक को गुलदस्ता और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुर्था प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिले के सभी पुलिस निरीक्षक के अलावे सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष सहित कई पुलिस पदाधिकारी, कर्मी और जिले के कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। इस समारोह को संबोधित करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यदि आज हम लोग यह कहते हैं कि अवर में बालों का कोई कारोबार नहीं चला, किसी बदमाश की कोई बदमाशी नहीं चली, तो इसमें हमारे थाना प्रभारी का रोल है। हमारे 8 थाना प्रभारी ऐसे हैं जो सोन और जबलपुर के किनारे में फंसे हुए, जहाँ पर बालू बहुत चलता है। मैं कितना भी टाइट हो जाऊँ, लेकिन एक थाना प्रभारी मेरी बदमाशी करना शुरू कर देगा। आप तो मुझे इस चीज का एहसास हमको इस मतलब अपने टेलर जी को जरूर हुआ, और सर के होने की वजह से ही पुलिस डिपार्टमेंट जनरली बंद होता है, सिर्फ मतलब वन साइडेड वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो लकड़ी यहाँ नहीं था, जिसकी वजह से मेरे लिए बहुत काम आसान हो गया। और मतलब मैं खुद के काम से संतुष्ट हूँ, तो उसका बहुत सारा क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि आपके सीनियर। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गाँव के समीप लूटपाट की घटना में संलिप्त अपराधी और उपयोग किए गए बाइक और चोरी की गई बाइक के साथ दो अपराधी कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में एसएसपी सैयद इमरान मसूद ने रामगढ़ चौक थाने के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि रविवार को नारायणपुर गांव के समीप लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। नारायणपुर गाँव है, जहाँ पे 8 तारीख की रात में करीब 10 बजे सुनसान जगह पे तीन व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल पल्सर पे थे, और वो लोग शेखपुरा के रहने वाले हैं, यहाँ पे उनका कोई रिलेशन में था, वहाँ पे आ रहे थे। आने के क्रम में जहाँ पे सुनसान जगह मिली, वहाँ पे दो व्यक्ति जो कि लखीसराय के रहने वाले हैं, उन लोगों के द्वारा
इनकी बाइक जो है इनको पिस्टल का भय दिखा करके थोड़ा मारपीट करके इनकी बाइक पल्सर जो थी वो लूट लिया गया। और इसकी सूचना जैसे ही थाना प्रभारी रामगढ़ चौक को मिली तो इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस रूट में गए। रूट में जाने के बाद वहाँ पे मानवीय उस पर टेक्निकल और मानवीय ढंग से इन्फॉर्मेशन हासिल करी और वादी से बातचीत करी और तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पहले बाइक को रिकवर किया जो लूटी गई थी। तुरंत ही लूटने के कुछ ही देर के बाद वो रिकवर हो गई। इसके अलावा अपराध कर्मियों के बारे में पता लगाया और 24 घंटे के अंदर दोनों अपराधी जो कि लूट की घटना को कारित किए थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह लूट का एक घटना जो हुई थी उसको 24 घंटे के अंदर उसका उद्भेदन रामगढ़ चौक थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा किया गया और इससे आगे होने वाली भी घटनाओं को रोकथाम में हमको मदद मिली है। हथियार भी बरामद हुआ है, इसमें हथियार के बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पूछताछ जारी है और छापेमारी जारी है, हथियार बरामद करने का प्रयास चल रहा है। कहाँ के लोग हैं सर जो गिरफ्तार हुए? ये जो अपराधी हैं ये लोग, एक तो तेतरहट थाना का है, एक रामगढ़ चौक का रहने वाला है। इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग मारपीट में, 307 में, कुचरंगदारी में और लड़की छेड़ने के केसेस में 2-3 बार ये लोग जेल जा चुके हैं और इसी क्रम में इन्होंने फिर से घटना करने का प्रयास किया लेकिन इस बार भी इनका तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट कर लिया गया। और कितने लोग हैं सर? इनके ग्रुप के बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं कि इनके ग्रुप में और भी लोग अगर हैं तो उनके बारे में भी पता लगा करके रेड चल रही है। एक घटना में तो 2 ही लोग शामिल थे जैसा वादी ने बताया। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।